दीपावली का आज दिन है, इसके बारे में कुछ नगरवासियों को संदेश देना चाहेंगे। अरे मैं तहे दिल से भारतगंज के नहीं पूरे क्षेत्र के पूरे देश के लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि अमन चैन के साथ जैसे पूरी जनता की हमारी भारतगंज के आज बहुत दिन बाद भारतगंज में रौनक देखने को मिली। कोरोना के लॉकडाउन की वजह से पूरे भारतगंज में सियापा छाया हुआ था, लेकिन आज कुछ चहल पहल देखने को मिली है। हमारे पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रहे हैं हर जगह, और पटाखे पर यहाँ रोक है। बहुत अच्छी तरीके से दिवाली मनाई जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है जी। और क्या कहना चाहेंगे इस टाइम आप, जिस तरह से दीपावली पे इस तरह से पब्लिक अपना आपको सोच रही कि यार मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, मैं नहीं पटाखा नहीं बेच पा रहा हूँ, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पटाखा नहीं बेच रहे हैं, बहुत बढ़िया पर लड़का जड़ तो नहीं देंगे तो नहीं। अब एक बात और है भैया कि पटाखा बेचने से पैसे की भी नुकसान होता है, लड़के ले जाते हैं, दूसरा कोई जल जाता है और खुद भी जल जाते हैं। जी नेताजी क्या कहना चाहेंगे? जिससे हमारा नुकसान हो, जिस काम से समाज का नुकसान हो उस काम से बचना चाहिए। पटाखा नहीं बिक रहा है, नहीं हो रहा है, पटाखा ही कोई सब कुछ थोड़ी है। पटाखे में हमारा धन को बर्बादी होता है और प्रदूषण बढ़ता है और लड़कों को बच्चों को चलने, यानी करीब मतलब आपका यह है कि पुलिस वालों का कार्य सराहनीय है। बिल्कुल सराहनीय है, एकदम मुस्तैदी के साथ। अभी तक मैं भारतगंज में कहीं पटाखे की दुकान नहीं देखा, इसके लिए पुलिस प्रशासन को बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। दीपावली मुबारक हो आप लोग को। थैंक यू भाई साहब, आपको भी जी। हम यही कहेंगे कि इस समय आतिशबाजी पटाखा से दूर रहें। आज सबसे गुजारिश है कि ये जो कोरोना का संकट चल रहा है, इससे दूर रहने के लिए पटाखा वड़ाखा आतिशबाजी वगैरह ना करें जी। बहुत बढ़िया। और दीपक जलाए, दिया जलाए, मोमबत्ती जलाए, रोशनी करें और अच्छी अच्छी बातें करें, पूजा पाठ करें। और दीपावली एकदम शांति से बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है, जैसे उसी तरीके से मनाया जी। हम अखिलेश केसरी, भारतगंज, भाजपा नगर अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक जी। धन चैनल पर दिखाए जाने वाली सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।